महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव झारखंडी स्थित शिव मंदिर पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल चढ़ाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भोले बाबा को भांग, धतूरा, फूल, दूध, लावा मिलाकर विधि विधान से जल चढ़ाकर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। जिसके संबंध में महादेव झारखंडी मंदिर के पुजारी रविन्द्रनाथ ने बताया कि यह मंदिर 600 साल से भी ज्यादा पुराना है। महाशिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने से भगवान शिव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि आज के दिन महादेव को जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग वर्षों से यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगभग 500 मीटर पहले ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लाइन लगाया गया था। श्रद्धालु लाइन में लगकर बारी बारी अपनी बारी का इंतजार करते हुए मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल चढ़ा रहे थे। महिलाओं के लिए अलग व पुरुषों के लिए अलग लाइन लगाया गया था। जगह जगह पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी जो कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महादेव झारखंडी मंदिर के पुजारी रविन्द्रनाथ, श्रद्धालु जितेंद्र बहादुर सिंह, मीरा देवी, निर्मला ओझा, राजेश कुमार ओझा, अनुप कुमार खेमका ने कहा। पूरा लंबा हो जाए, पूरा समझ रहे हो। कहते हैं कि सर्वे ऋतु सर्वा भेता तू लेता तू सत्य तू असत्य हम भगवान तू मनुष्य शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब तू ही तू मैं कुछ नहीं। पुरानी कहावत है कि यह जो है त्रेता युग का मंदिर है। जो महाभारत द्वापर युद्ध हुआ था तो उसी समय का मंदिर है। जो हाँ, मनोकामनाएं ईश्वर की उपासना करने से पूरी होती है। एक श्रद्धा होता है व्यक्ति के अंदर और आत्मबल होता है, उससे कामनाएं पूर्ण होती है। जितेंद्र बहादुर सिंह पता है या किसी गुरु का शादी हो रहा है, आज का जल चढ़ाने से जो मनोकामना है पूरा होता है। मीना देवी बहुत बड़ा महत्व है। और मैं भोलेनाथ की कृपा से आज विश्वास जो करके आया हूँ, मैं उनका आशीर्वाद लेने आया हुआ। और भोलेनाथ की मेरे पर बहुत कृपा है कि मेरा विश्वास होकर के खड़ा हुआ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, हर साल नहीं आ पाता हूँ लेकिन जब भी समय मिलता है भोलेनाथ के दर्शन के जरूर आता हूँ। अरे अब लगता है कि सैकड़ों साल का हजारों साल पुराना मंदिर होगा। ये झारखंडी मार्ग पेड़ के जड़ में से खोद के निकले। राजेश कुमार ओझा। बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है। ये झारखंडी मंदिर में जो शिवरात्रि का मेला होता है ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।
तो इतने सब सिविक हैं कि हर लोग भंडारा यहाँ पे जो है लगाते हैं। शुरुआत हमने 1995 में किया था, 27 साल हो गया मैं कंटिन्यू इसको करता आ रहा हूँ। अब लगभग मेरे ख्याल से 10,000 से ऊपर ही अभी यहाँ से, और मतलब कि साल में चौराहे तक लाइन लगी रहती है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये मतलब पुरखों के जमाने का मंदिर है, यहाँ पे जंगल हुआ करता था और एक लकड़ा जो है वो लकड़ी काटने आया था, तो उसमें शिवलिंग उत्पन्न हुआ और खून की धार निकली उसके अंदर, उसके बाद से इनकी आस्था काफ़ी बढ़ गई। मैं अनुप कुमार खेमका, आवाज़ बस काल। अरे यहाँ पे जैसे लाखों लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब कोई भी जैसे मनोकामना पूरा मांगते हैं तो उनका पूरा हो जाता है। और क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे प्रशासन का व्यवस्था किया गया है और नगर मतलब साफ सफाई का व्यवस्था किया गया है, और यहाँ पे कोई भी जैसे मनोकामना अपना मांगता है तो उनका पूरा हो जाता है। अरे यहाँ पे भांग, धतूर, फूल, अगरबत्ती, मतलब कपूर और बेलपत्र और स्वामी का पत्ता, अक्षत, दूध, दही, मेवा, फल फूल, यही सब चढ़ता है। काफ़ी महत्व, काफ़ी पुराना मंदिर है। अरे लगभग 600 साल पुराना मंदिर है। क्या नाम है? मेरा नाम महादेव झारखंडी शिव मंदिर, महंत रविंद्रनाथ जी।